कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा ने खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग द्वारा बड़सर में किए गए जनमंच पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज के समय में सरकार लोगों को महंगाई के दामों में वृद्धि कम करने को लेकर भ्रमित कर रही है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि राजेंद्र गर्ग ने खाद्य आपूर्ति सामग्री पर कहा था कि मसूर की दाल को सस्ता और मूंग की दाल का दाम बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो सरकार लोगों को एक हाथ ले एक हाथ देने का काम और भ्रमित करने का काम कर रही है। अनीता वर्मा ने कहा कि आज के समय महंगाई आसमान को छू रही है, लोगों को कोरोना काल में अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। अनीता वर्मा ने खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग द्वारा बड़सर में किए गए जनमंच में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कैसे इस महामारी से लड़ेंगे जब इतने बड़े बड़े नेता ही लोगों के बीच जाकर जनमंच करेंगे और अपने विचार रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ये भी दावा कर रही है कि बिजली के रेट कम कर दिए जाएंगे। अनीता वर्मा ने कहा कि जयराम सरकार कैबिनेट की मीटिंग रखे और उसमें ये डिसीजन रखे, तभी लोग मानेंगे कि बिजली के रेट बाकी ही कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को भ्रमित करना ठीक नहीं है। गर्ग जो हमारे आज मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, उन्होंने जनमंच बड़सर में रखा था और उस जनमंच के तहत उन्होंने, क्योंकि खाद्य पूर्ति के वो मंत्री हैं, ये स्पष्टीकरण किया था कि हमारी दालों की कीमतें कम हो गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मसूर की दाल की कीमत जो है वो कम, लेकिन मूंग की दाल की कीमत जो है वो हमने थोड़ी बढ़ा दी है। तो वो तो एक किस्म से इस हाथ ले और उस हाथ दे करके लोगों को थोड़ा भ्रमित करने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत बढ़ रही है, लोगों के बस से बाहर जा रहा है सारा उनका अपना जो खर्चा पानी है। वो महसूस कर रहे हैं कि हम कोरोना से लड़े, महंगाई से लड़े, बेरोजगारी से लड़े, या आज उनको जो अस्थिरता नजर आ रही है आर्थिक स्थिति में, जिसमें उनके बच्चों की नौकरियां चली गई हैं, उसके खिलाफ हम लड़े, इसमें आज जनता बहुत ही भयभीत हो चुकी है। और गर्ग साहब, आपने जो जनमंच किया उसमें तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ा दी, जहां वहां लोग इतने इकट्ठे हो गए और साथ साथ बैठे हुए थे, उसमें तो आज कोरोना से हम कैसे लड़ेंगे जब इतने बड़े बड़े महापुरुष जो आकर लोगों को इकट्ठे करके उनको संबोधित कर रहे हैं और अपने विचार रखना चाह रहे हैं, तो उसमें ये कोविड हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा लड़ने के लिए। और ये भी कहा उन्होंने कि हम बिजली के रेट जो है वो कम कर देंगे। मैं तो चाहूंगी कि जयराम जी एक कैबिनेट मिनिस्टर बुलाए और जब ये डिसीजन होगा तब हम मानेंगे कि वाकई बिजली के रेट जो है वो कम हुए हैं, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि हम बिजली तैयार करते हैं, हम बिजली देते हैं कोई 4-5 स्टेटों को, और अगर हमारे दाम कम ना हो तो अपने ही घर में हमें महसूस होगा कि जिस चीज़ का उत्पादन हम करते हैं वही हमें उपलब्ध एक छोटे दाम में नहीं हो रही है। और अभी जो एक और निर्णय लिया है कि अब नए मीटर जो लगाए जाएंगे वो 11,000 से ऊपर उनका लगाने की कीमत होगी और उनकी कीमत होगी, वो भी एक बहुत बड़ा भार आम जनता के ऊपर होगा, जिसके बारे में भी लोग जो है वो बड़े भारी वंचित हैं कि भाई ये महंगाई जो है हर तरफ से वो दस्तक दे रही है और मार दे रही है। तो मैं ये समझूंगी कि ऐसे ऐसे जो आप मीटिंग्स में लोगों को गलत विचार देकर उभारे हैं वो मेरे हिसाब से ठीक है।